भोपाल की बच्चियां दिल्ली की डॉक्टर को बेची जानी थी। किडनैपर्स से छूटी यकबा बच्ची ने बताया आंटी ने डंडे से पिटाई की। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आई शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। भोपाल से अगवा 8 साल और 11 महीने की दोनों बहनें दिल्ली की एक फिजियोथेरेपिस्ट महिला डॉक्टर को बेची जानी थी। सौदा 3 लाख रुपए में तय भी हो चुका था। बच्ची को अगवा करने वाले गिरफ्तार कर लिए गए। भोपाल के कोलार इलाके के इंग्लिश विला स्थित मकान से इस गैंग के 5 सदस्य पुलिस के हाथे चढ़े। गैंग के पास इन बहनों के अलावा 2 और बच्चियां मिली। इसके बाद इस मामले का खुलासा हुआ। गैंग के तार अंतर्राज्यीय मानव तस्करों से जुड़े हुए हैं। आरोपियों में हरियाणा निवासी अर्चना सेन उम्र 32 वर्ष, केरल निवासी उसका पति निशांत रामास्वामी उम्र 35 वर्ष, अर्चना का बेटा सूरज उम्र 19 वर्ष, 14 साल की नाबालिग बेटी और सूरज की गर्लफ्रेंड बाराबंकी यानी यूपी की मुस्कान बानो उम्र 19 वर्ष शामिल है। सीसीटीवी फुटेज से पहचान के आधार पर सभी पकड़े गए। आरोपियों से पता चला है कि गिरोह के सदस्य दिल्ली ही नहीं हरियाणा और राजस्थान में भी एक्टिव हैं। वे बच्चों को अगवा कर उन्हें बेचने का काम करते हैं। भोपाल क्राइम ब्रांच की टीम अब हरियाणा और दिल्ली जाने की तैयारी कर रही है। काजल उम्र 8 वर्ष और दीपावली उम्र 11 माह को कर्फ्यू वाली माता मंदिर परिसर से कन्या भोज कराने के बहाने अगवा किया गया था। बच्चियों की पहचान न हो इसके लिए आरोपियों ने दोनों का मुंडन करा दिया था। काजल ने अपने पिता को बताया कि छोटी बहन दीपावली रो रही थी, उसे चुप कराने लगी तो आंटी ने मुझे डंडे से पीटा, कहा कि घर का काम नहीं करोगी तो घर नहीं जा पाओगी। बच्ची के हाथ में पिटाई से सूजन है। बच्चियों के पिता मुकेश आदिवासी ने बताया कि बेटी काजल के साथ मारपीट की गई है, उसके एक हाथ में चोट और सूजन है। बेटी ने बताया कि एक आंटी ने डंडे से उसकी पिटाई की। आंटी घर का काम कराती थी, साफ सफाई करने को कहती थी। बच्ची ने यह भी बताया कि मुंडन के बाद आंटी ने ही उसे और उसकी बहन को नहलाया था, खाना भी दिया था। मुकेश ने बताया कि मंगलवार रात क्राइम ब्रांच के ऑफिस बुलाया गया। काजल मुझे और पत्नी लक्ष्मी को देखते ही हमसे लिपट गई। यहाँ पत्नी ने बच्चों को अगवा करने वाली महिला की पहचान की। महिला के साथ 2 युवती और 2 युवक भी थे। मूलतः रतलाम निवासी मुकेश आदिवासी भोपाल में लाल घाटी के बरेला गाँव में परिवार के साथ रहकर मजदूरी करते हैं। पत्नी 4 बच्चों और ननद के साथ पीरगेट स्थित कर्फ्यू वाली माता मंदिर में रोजाना आ रही थी। शनिवार को परिवार मंदिर परिसर में बैठा था, तभी कन्या भोज कराने का कहकर महिला उसकी बच्चियों को ले गई थी। लगातार बयान बदलकर गुमराह करते रहे आरोपी। पहले बताया भाई बहन, निकले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। शुरुआती पूछताछ में अर्चना ने निशांत को अपना पति बताया, लेकिन बेटा बेटी और मुस्कान को भाई बहन बताते हुए कहा था कि वे हरियाणा के रहने वाले हैं। मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात निशांत और सूरज को क्राइम ब्रांच में रखा गया। अर्चना और मुस्कान को महिला थाने में रखकर पूछताछ की गई। अर्चना ने बताया कि हमारी परंपरा के अनुसार बच्चियों का मुंडन कराने के बाद ही कन्या भोज कराया जाता है। बच्चियों को वह लौटाने वाली थी, इससे पहले गिरफ्तार कर लिया गया। रात 2:30 बजे पुलिस की एक महिला अधिकारी ने पूछताछ की तो अर्चना ने मुस्कान को तो छोटी बहन बताया, 14 साल की नाबालिग को बेटी बताया। बयान बदलते हुए कहा कि बच्चियों के सिर में गंदगी थी, इस वजह से उनका मुंडन करा दिया। काजल ने उसे कहा था कि मम्मी पापा उसे पीटते हैं, भूखा रखते हैं, इस वजह से उसने बच्चियों को साथ रख लिया, उन्हें अपनी बेटियों की तरह पालती। महिला अधिकारी ने मुस्कान से अलग पूछताछ की। उसने बताया कि अर्चना उसकी बहन तो है, लेकिन सूरज उसका भाई नहीं है। सूरज को मुस्कान ने अपना पति बताया, 14 साल की नाबालिग को अपनी भांजी बताया, उसके बच्चियों की किडनैपिंग में शामिल होने से इनकार कर दिया। सीसीटीवी फुटेज दिखाने पर बोले कि बच्चियों को बेचने के इरादे से अगवा किया था। क्राइम ब्रांच में सूरज और निशांत बच्चियों को अगवा किए जाने की बात से साफ इनकार करते रहे। उनका कहना था कि दोनों की पत्नियों ने उन्हें बताया था कि बच्चियों के माँ पिता नहीं है, उन्हें पालने के इरादे से घर ले आई है। बुधवार की सुबह उन्होंने भी स्वीकार किया कि एक मानव तस्करी गिरोह से जुड़े हैं। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहें द खबरदार न्यूज पर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।